आज का अमल जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, ये सांप से हिफाजत का मुजर्रब अमल है। वो हमारे इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें जिनके घरों के अंदर सांप आ जाते हैं, बार बार सांप निकलते रहते हैं, घर के बच्चों को, घर वालों को, सब की जान को ख़तरा रहता है, तो ऐसे घर के लिए आपको क्या करना होगा जिनके घरों में सांप ज़्यादा निकलते हैं। तो जो तरीका मैं आज आपको बता रहा हूँ, जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, ये अमल कर लेना है, फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर में कभी सांप नहीं आएगा, अगर होगा तो वो भी निकल जाएगा। तो अमल ये है कि सांप से हिफाजत के लिए ये आयतें 7 बार पाक मिट्टी पर पढ़कर दम करना है। वो आयतें मैं आपको बता रहा हूँ, तो 7 बार पाक मिट्टी पर पढ़ करके दम करना है और मकान के हर गोशे में, मतलब चारों तरफ से डाल देना है। सिर्फ एक रास्ता आपको छोड़ देना है, एक गोशा आपको छोड़ देना है, ताकि सांप अगर घर में कहीं छुपा हुआ हो तो वो उस रास्ते से निकल जाए, फिर कभी ज़िंदगी में आपके घर सांप नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो आइए वो आयतें आप समाप्त कर लें। तो 7 बार ये आयतें आपको पढ़ना है। सलामुन अला इबादिही लज़ीन इस्तफा, सलामुन क़ौलम मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन। तो ये आपको करना है। अगर आपसे आप नहीं पढ़ सकते तो जो पढ़ा लिखा हो, इमाम साहब वगैरह हो मस्जिद में, वहाँ जाइएगा और उनको ये अमल बताइएगा, उनसे पढ़वा करके अपने घर में इस अमल को ज़रूर कीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर आपके यहाँ पर सांप नहीं आएगा।